हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सभी लोग के लिए मैं लाई हूँ अपने अलमारी को मैं कैसे अच्छे से देखिए रखूँगी, बहुत अच्छे से रखूँगी सबके कपड़े और अच्छे से करूँगी। देखिएगा, आप ज़रूर मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दोबारा ना भूलें। चलिए ज़्यादा बातें किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से कॉपी किताब मेरा था जितना मैं उतना रखूँगी। देखिए, मैं बहुत अच्छे से रखूँगी कॉपी अपना, और बुक भी है। वैसे अभी लॉकडाउन में तो अभी बुक नहीं खरीदा है मेरा। देखिए, मैं अच्छे से रख रही हूँ, अलमारी है मेरा। ये पेन स्टैंड भी है, इसमें मैं पेन रखती हूँ अपना। चलिए, दूसरे अलमारी पे मैं चल रही हूँ। अब इसमें मैं अपना कपड़ा रखूँगी। देखिए, मैं अपनी मम्मी का कपड़ा रख रही हूँ पहले। देखिए, अपनी मम्मी का साड़ी रख रही हूँ। देखिए, अपनी मम्मी का ऐसे ही मैं अच्छे साड़ी रखती हूँ, जो उनको लेना होगा वो अच्छे से निकाल लेती हैं। अब अपनी मम्मी का देखिए सारा ब्लाउज रखूँगी, यहीं पे मैं सारा रख देती हूँ, वो जो लेना होगा उनको पसंद होगा वो पहनती हैं। जो पार्टी में पहन के हम लोग जाते हैं वो साड़ी यहाँ पे मैं नहीं रखती हूँ, वो अपने अलमारी में रखती हूँ, गोदरेज में। देखिए, अपनी मम्मी का सारा साड़ी रख दी, ब्लाउज भी रख दी हूँ। देखिए, ये साया है यहाँ पे मैं रख दी हूँ, पेटीकोट है, ये नाइटी भी है, तीन चार रख दी हूँ, मेरी मम्मी पहनती कभी कभी। ये देखिए, मेरा भाई है छोटा, उसके लिए मैं पैंट इतना रहे मैं वो रखूँगी अच्छे से, इसका पैंट भी। देखिए, वो हाफ पैंट है, उसको यही सब पसंद है ज़्यादा, जीन्स तो ज़्यादा पहनता ही नहीं है। देखिए, तब भी उसका जीन्स बहुत है, पहनता ही नहीं है जीन्स वो। देखिए, उसका टी शर्ट है, वो टी शर्ट पहनता है भले, पर शर्ट उतना नहीं पहनता है। हाँ, पार्टी उटी में गया तो बहुत अच्छे से जाता है शर्ट पहन के। देखिए, उसका सारा शर्ट, पर उसका पार्टी वाला शर्ट पूरा मैं अच्छे से रखी हूँ, ये घर पे यूज करता है। देखिए, उसका कोट है, ये सब कितना कोट रखा है, तब जल्दी पहनता ही नहीं है उसको तो। देखिए, उसका बहुत ज़्यादा कोट है और बहुत अच्छे से रखता है। ये देखिए, मेरा पूजा अलमारी है, पूजा में पूजा वाला स्थान भी मैं यहीं पर रखी हूँ, मतलब उसके बगल में है, वहाँ पे नहीं है, कपड़े के पास दूसरे अलमारी में है। मैं अपनी बहन के लिए भी यहाँ पे उसका, वो तो जल्दी पहनती नहीं कुछ, यही हाफ ऊफ पहन लेती है, और उसका पार्टी वाला सारे कपड़े हैं मेरे पास। देखिए, उसका भी कुछ टी शर्ट है वगैरह वगैरह, पर ये देखिए उसका पार्टी वेयर है। देखिए, वो घर पे यही सब पहनती है। वो भी ऐसे ही गंगरी उंगरी जीन्स, ये टी शर्ट पहनती है। देखिए, वो भी और ये मेरा है, मेरा और मेरी बहन का ही है, हम दोनों एक साइज के ही हैं।
देखिए हम लोग भी टी शर्ट के पहनते हैं कभी, जान पार्टी वूटी होता है या शादी उदी तब हम लोग न्यू कपड़े पहनते हैं, नहीं तो ऐसे ही हम लोग भी घर पे। देखिए ये मेरा और मेरी बहन का न्यू कपड़ा है, ये हम लोग का देखिए ये सारा न्यू है। देखिए ये जैगिंस है उसका, केवल मेरी मेरी और मेरी बहन का। मैं वैसे यू जैगिंस नहीं पहनती हूँ ज़्यादा, वही मेरी बहन पहनती है उसका ये सब। हाँ जीन्स पहन लेती हूँ जी। ये देख ये स्टॉल है, हम लोग कोचिंग जाते हैं तब स्टॉल लेते हैं, नहीं तो घर पे तो वैसे नहीं लेते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं तो ले लेते हैं। दो स्टॉल है हम लोगों का, मेकअप का सारा सामान है ये, मैंने अपना मेकअप का यहाँ पे रखती हूँ। मैं जो ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, मेरी बहन ही है, मिस छोटी है थोड़ी, वही करती है। देखिए उसका इयरिंग्स देखिएगा उसका, बहुत रखी है अभी तो, ये तो बहुत कम है उसका, देखेंगे तो वो एक डिब्बा दो डिब्बा रखी है ऐसे ही डिब्बे में। देखिए उसका इयरिंग्स बहुत बड़ा बड़ा पहनती है वो, उसका हार देखिए थोड़ा, वैसे ही पार्टी उटी में पहनती है। देखिए वो उसका इयर रिंग्स है, वो घर पे ही ज़्यादा यूज नहीं करती है सब। देखिए हम लोग ना यहाँ पे मेडिसिन भी रख लेते हैं, चलिए देखिए मेडिसिन का मेरा वो था डिब्बा। ये देखिए मैं अपने बाबू बाबू जब भी कुछ को किसी को होता है तो मैं इसी में अपना सारा दवाई हुआ रखती हूँ। ये देखिए ये सब तो वो ये सब हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते, मेरी मम्मी यूज करती हैं। और ये भी तो मेरी मम्मी का ही है, देख लीजिए खोल रही हूँ, ये देखिए चूड़ी है, अच्छा है ना तो बताइएगा ज़रूर। देखिए ये भी मेकअप का वो है, इसमें सारा यही सब होता रखता है, रखा जाता है। देखिए ऐसे ब्रेसलेट उसलेट इसी में रखते हैं। ये देखिए मेरा सारा गिफ्ट है, मैं कुछ इसमें से अपने हाथ से भी बनाई हूँ, कुछ वो दुकान से भी मैं खरीदी हूँ। अभी तो बहुत गिफ्ट है मैं जो हाथ से बनाई हूँ, पर यहाँ पे नई डाली हूँ अभी, वो अधूरा है इसीलिए अभी 2-3 दिन में तैयार होगा तब मैं बताऊँगी आप लोगों को। ठीक है गाइज बाय, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे हम लोग। ओके बाय, आप मेरे वीडियो को